is limitation of हेनरी लॉ. सो हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है? जो हेनरी लॉ है वो किन किन कंडीशंस पे वैलिड होगा? फर्स्ट वन इज व्हेन प्रेशर इज लो, सेकंड व्हेन टेम्परेचर इज हाई. तो अब देखो, जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, जो आइडियल गैस है वो कब वैलिड होती है? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. और ये दोनों ही कंडीशन किसमें चाहिए? हमें हेनरी लॉ में. ठीक है. थर्ड कि ये जो लॉ है इसमें किसी तरह की गैस की सॉल्वेंट के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए. ठीक है. उसका मतलब हुआ कि नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन. ठीक है. तो जो गैस है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए विद द सॉल्वेंट. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ. हेनरी लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. अब जितनी भी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सोडा वाटर है या बियर है, उन सब में क्या होता है हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हाई प्रेशर पे फिल की होती है बॉटल के अंदर. So, अब अगर बॉटल में क्या है कि हमारे पास जैसे कोक की एग्जांपल ही ले लो आप. ठीक है. तो कोक में क्या है कि बॉटल में अंडर हाई प्रेशर वो गैस फिल की हुई है. ठीक है. तो जब इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पे क्या है? प्रेशर हाई. तो जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पे कौन सी आवाज आती है? फिज की. इसको हम और क्या बोलते हैं? एफर्वेसेंस. और वी कैन से ब्रिस्क एफर्वेसेंस. तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस हमारे पास कब आती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एवोल्यूशन हो. ठीक है. तो ये है हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन हेनरी लॉ की, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. सेकेंड एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल है वो, कि लंग्स में. लंग्स में क्या है? जैसे सिंपल रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो वो फॉलो होती है. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज एक्सहेल. ओके. सो ये है सेकंड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास कि इसमें आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनोक्सिया. सो व्हाट इज एनोक्सिया? अब देखो, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहां पे क्या होगा कि प्रेशर है जो वो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो. ठीक है. तो हाइट पे जाने पे क्या होता है कि ऑक्सीजन है जो उसका प्रेशर क्या हो रहा है? कम. सो ऑक्सीजन का प्रेशर अगर कम हो रहा है तो जो क्लाइंबर्स हैं उनको क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही. सो अगर बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन की जो प्रॉपर थिंकिंग है वो क्या हो जाएगी? बंद. सो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम जो ओरिजिनेट होगी उसको हम बोलेंगे एनोक्सिया. सो एनोक्सिया कब होती है? जब ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी को नहीं मिलती और ब्रेन की जो थिंकिंग है या ब्रेन की जो वर्किंग है, सॉरी, वो क्या हो जाती है? कम. सो उससे क्लाइंबर्स क्या फील करते हैं? वीकनेस. सो उसको क्या बोलते हैं हम? एनोक्सिया. ओके. लास्ट एप्लीकेशन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास. फोर्थ वन इज स्कूबा डाइविंग. हेनरी लॉ से मेनली हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. तो हेनरी लॉ की डेफिनेशन, हेनरी लॉ की लिमिटेशन एंड हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे ये एनोक्सिया, ये बहुत बार आया एग्जाम में. और नेक्स्ट है स्कूबा डाइविंग. लास्ट एप्लीकेशन इज स्कूबा डाइविंग. अब देखो, जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या सिंपल जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? हाई. ठीक. अब प्रेशर
प्रेशर हाई हो रहा है। तो देखो जो डाइवर्स हैं उनके पास जो सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होती है, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। तो जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या मिक्स होती है, नाइट्रोजन। अब नॉर्मल कंडीशंस पे ये जो नाइट्रोजन है हमारी बॉडी में ये डिसॉल्व नहीं होती अंडर नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। लेकिन देखो अब डेप्थ में क्या हुआ कि जो डाइवर्स हैं जैसे जैसे नीचे जाई जा रहे हैं, सपोज दिस वन इज अ सी, ठीक है। अब जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा, प्रेशर क्या हो रहा है, हाई। तो नॉर्मल प्रेशर पे नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो नाइट्रोजन क्या है वो बॉडी में डिसॉल्व होने लग गई, ठीक है। अब जब तक तो डाइवर नीचे है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। लेकिन जब वो ऊपर आएगा, when it will come, when he will come towards the surface of water, तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो बॉडी से निकलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक्स में किया है कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो क्या होती है अंडर हाई प्रेशर फिल की होती है, ठीक है। तो जब हम वाटर को ओपन करते हैं तो एकदम से वो गैस है जो सारी की सारी बाहर आ जाती है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि नाइट्रोजन है जो जब तक वो डेप्थ में रहता है तब तक क्या है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं हुई है, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन है वो जो बाहर निकलेगी बॉडी से, ठीक है। अब जो बाहर निकलेगी ये जो प्रोसेस है जब नाइट्रोजन बाहर निकलती है तो ये बहुत ही पेनफुल है एंड इट्स डेंजरस आल्सो, क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंड्स, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, बेंड्स। अब इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज बेंड्स, क्लियर। सो ये देखो अब जब बेंड बन गया तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जा सकता है कि ये क्या कौन सी एयर थी, कंप्रेस्ड एयर, क्लियर। लेकिन आजकल जो सिलेंडर यूज होते हैं उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें हीलियम ऐड की होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हीलियम को डाइल्यूट कर दिया, हीलियम के साथ डाइल्यूट कर दिया जो सिलेंडर्स हैं उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी और हीलियम भी होगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि कंसेंट्रेशन है जो नाइट्रोजन की वो कम हो गई। तो ये जो एप्लीकेशन है ये किसी भी तरीके से आ सकती है कि जैसे सपोज आपको पूछ लिया कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, या फिर व्हाट इज एनोक्सिया, या फिर कि बेंड किसको बोलते हैं, और या फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो हीलियम है उसका क्या रोल है इन स्कूबा डाइविंग, ओके। So this is all about the applications of Henry Law. Okay, thank you.